सोमवार को लोकसभा ने नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। अब ये बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा, जहां सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। इस साल की शुरुआत में भी सरकार राज्यसभा में बिल को पास कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन तब वो विपक्ष के आगे झुक गई थी। ऐसे में इस बार क्या है राज्यसभा में बहुमत का गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार की रात 12:04 तक लोकसभा की कार्रवाई चली। इसके बाद नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में स्थिति अलग है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि हमने लोकसभा में समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में समर्थन की गारंटी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो साफ कर दिया है कि जब तक सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, तब तक शिवसेना इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर बुधवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा है। विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 5 सीटें इस समय खाली हैं। ऐसे में 240 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है और बहुमत के लिए सरकार को इसमें से 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए। इस वक्त जो स्थिति है उसमें कांग्रेस 46, टीएमसी 13, सपा 9, वामदल 6, डीएमके 5, टीआरएस 6, बीएसपी 4, निर्दलीय और अन्य 21 सदस्य बिल का विरोध करेंगे। इस तरह से ये आंकड़ा होता है 110 का, जबकि जिन दलों के बिल का समर्थन करने की उम्मीद है उसमें बीजेपी 83, बीजेडी 7, अन्नाद्रमुक 11, जेडीयू 6, नामित 4, अकाली दल 3, निर्दलीय और अन्य 11 सदस्य बिल के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। ये संख्या बनती है 125, जबकि शिवसेना के 3 और नॉर्थ ईस्ट के 2 सदस्यों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। शिवसेना ने बिल का समर्थन नहीं किए जाने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन वो इस बिल के खिलाफ वोट देंगे, इसे लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। और यही संख्या बल है जिस कारण से बीजेपी लोकसभा के बाद कल इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।